समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खेलते एवं खिलाते 8 सटोरियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। नकदी 19,400 रुपए एवं 8 मोबाइल भी किए जब्त। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा चलाए जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच को दृष्टिगत रखते हुए पतासाजी कर सटोरियों की धरपकड़ हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जोन 2 अपराध श्री समर वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एचआर पांडे के मार्गदर्शन में थाना गोरखपुर की टीम द्वारा क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को पकड़ा गया। क्या मामला है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कैसे पकड़ा गया? ये कल 31 तारीख को मुंबई से सूचना मिली थी कि आहुवाग रेलवे स्टेशन के पीछे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कुछ लोग जो है आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। तो सुबुकवीर की सूचना पर जो है स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई, तो वहाँ पर 7 लोग मिले जो कि मोबाइल पर जो है अलग अलग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो है उसमें सट्टा लगा रहे थे। रुपया पैसे हर टीम के ऊपर लगाकर उसमें रुपया पैसे का दाव लगा रहे थे। तो ये 7 लोगों को पकड़ा गया और इनकी निशानदेही पर एक और व्यक्ति को पकड़ा गया, अतिशय जैन। इनके जो है सभी के कब्जे से अलग अलग, किसी के कब्जे से 10,000, किसी के कब्जे से अलग अलग नगद राशि कुल 19,400 रुपये और 8 मोबाइल अलग अलग कंपनियों के। इस प्रकार से कुल 1,19,400 रुपये का कुल मशरूका इसमें जब्त किया गया है और सभी के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और प्रकरण पंजीकृत कर इसमें विवेचना में लिया जा रहा है। इस मामले में एक आरोपी विक्की सोनकर बांधलैया का रहने वाला है, ये अभी फरार है। तो इसे भी जब इसकी सूचना मिलने पर इसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन मामलों को लेकर इनके पूर्व में और भी कोई मामले हैं क्या? इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया है, तो अभी ऐसा कोई मामला इसमें संज्ञान में नहीं आया। वो आएगा तो उसको भी प्रकरण की विवेचना में शामिल किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।